39 दिनों तक अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के बाद सरकार ने पंचायत सचिवों की मांग को पूरा करने की दिशा में गंभीरता नहीं दिखाई, तब आक्रोशित सचिवों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। नियमितीकरण की मांग कर रहे सचिवों की हड़ताल काफी लंबा खिंच चुकी है। सचिव चाहते हैं कि उन्हें भी सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, लेकिन मांगों को लेकर अब तक सहमति नहीं बन सकी है। यही वजह है कि आंदोलन के अगले चरण में भूख हड़ताल किया जा रहा है। सचिवों की हड़ताल पर जाने से पंचायत के विकास के काम पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं। 7 तारीख से हड़ताल में है, वो भी अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री एवं पंचायत मंत्री के द्वारा हम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि दिसंबर 2021 तक हम लोगों को शासकीयकरण का उपहार दे दिया जाएगा, परंतु आज दिनांक तक उनके द्वारा कोई भी कार्रवाई हमारे सचिवों के लिए नहीं की गई है, जिस कारण हम लोग 6/3/2023 के बजट में भी हमारे लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया, जिससे हम लोग रुष्ट होकर के 16 मार्च से हड़ताल में आए हैं। कालीन कलमबंद हड़ताल पर हैं, जिससे गोबर खरीदी बंद है और आम जनता की जो भी समस्या है वो सब प्रभावित हो रहा है हड़ताल में आने के कारण, और जन्म मृत्यु जो है नहीं बन पा रहा है, और बच्चे लोग का जैसे एडमिशन होना है RTA की तहत वो प्रभावित हो रहा है, जिससे आम जनता को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद भी सरकार जो है हमारे तरफ ध्यान नहीं दे रही है, जिससे पूरे जनता लोग जो है आक्रोशित हैं बच्चे का एडमिशन के लिए देखकर, और डेली फ़ोन आता है हम लोग के लिए। फिर भी अब जो हमारी सरकार है छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की, अभी तक गूंगी बहरी होकर देख रही है हम लोग की क्रियाकलाप को, फिर भी उसको कुछ अंतर नहीं पड़ रहा है। और जैसे हमारा हड़ताल, जो हड़ताल का मांग है परीक्षा उद्योग पश्चात शासकीयकरण, वो मांग पूरा नहीं होता तब तक हमारी हड़ताल निरंतर जारी रहेगी। हम लोग सचिवों के हड़ताल को देखते हुए माननीय कलेक्टर महोदय और जिला पंचायत सीईओ के निर्देशानुसार हर एक प्रत्येक पंचायत में उस विकासखंड के अन्य कर्मचारियों को सचिव के दायित्व दिए हैं, जिसके कारण हमारा काम जो है बढ़िया सुचारू रूप से चल रहा है। वर्तमान में 30 तारीख तक के आर्थिक सर्वेक्षण काम है जो हमारे आज की तारीख में 94% हो गया है, और 30 तारीख तक हम लोग सर्वेक्षण का भी पूरा कर लेंगे।